मोहन जी म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई सुबह से रिफ्रेश कर करके थक गए थे, 1,00,000 कमेंट्स तो कर दिए थे हमने पोस्ट पे, लेकिन भाई गाने का पोस्टर कब आएगा इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली ये पोस्टर आ चुका है। सो इसके टाइटल के बारे में और बाकी सारी बैक स्टोरी है जो भी, या फिर जो ब्रेकडाउन है पोस्टर का और टाइटल का, वो सारी चीज़ें तुम्हें एग्जैक्टली कि क्या क्या है सारा कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलो बताता हूँ, तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊँ तो पहले तुम स्क्रीन पर पोस्टर देख सकते हो और इसका टाइटल होने वाला है, बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, और इसका टाइटल होने वाला है 410। और कैप्शन में उन्होंने लिखा कि 410 रिलीजिंग ऑन 410, यानी कि 10th of April। अब जैसे बाहर पहले महीना ही लिखा जाता है ना, तो इस तरीके से भाई 10 अप्रैल को पूरा गाना रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि रनिंग थ्रू द सिक्स विद सनी माल्टन, ये सिद्धू भाई के पेज से ऐसा लिखा गया है। और जो सनी माल्टन के पेज का कैप्शन चेक करोगे तो वहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा लिखी गई है कि भाई ये गाना ना सनी माल्टन के खुद के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। सो इसका भी रीजन मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। सो चलो अब मेन चीजें जो ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो तुम पोस्टर में देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएंगे कि सिद्धू भाई है, सनी माल्टन है ना, और ट्रैक का नेम है, टाइटल है 410। अब ये किस लिए है, क्योंकि है ना जैसे कि इससे पहले जो पोस्ट करी थी उसका ब्रेकडाउन जरूरी है, सनी माल्टन ने जो अनाउंसमेंट पोस्ट डाली थी तो उसका भी ब्रेकडाउन जरूरी है समझने के लिए। तो सबसे ऊपर लिखा है स्केरी आर्स अलर्ट, तो ये तक तरह से अपनी भाई टैग लाइन ही बना रखी है कि भाई स्केरी आर्स स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद है अनअवेलेबल, नो वेयर इज सेफ। अब नो वेयर इज सेफ मतलब कि तुम देख सकते हो दोनों जगह ब्रैम्पटन में भी मानसा में भी थंडर स्टॉर्म आ रखे है ना, मतलब मौसम खराब हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए तुम टेम्परेचर देख सकते हो 4 और 10 लिखा हुआ है, और दोनों का टाइमिंग तुम चेक करोगे ना तो 4:10, 1:40 लिखा हुआ है, वो भी अगेन जो इसका टाइटल है गाने का उसी चीज को इंडिकेट कर रही है। सेम रिलीजिंग डेट में भी है 10th of April, 4th महीना है ना। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि जिस दिन रिलीज हो ना तो टाइमिंग भी यही रखी जाए, या तो 4:10 या 1:40, तो भाई क्रेजी सीन हो जाएगा, मजा आएगा देखने में। बाकी भी अब टाइटल का ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। तो है ना टाइटल जैसा कि 410, तो ये ना एक हाईवे से रिलेटेड है मोस्ट प्रोबेबली। ये चीज़ कंफर्म कैसे होती है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। जैसे कि शुभ का गाना आया था ना स्टिल रोलिन, उसमें भी उन्होंने लाइन बोली थी कि 410 उत्ते गड्डी 210 दी स्पीड है ना, तो उसी हाईवे के बारे में बात की गई है। ये चीज़ कन्फर्म इसलिए होती है क्योंकि जो अनाउंसमेंट पोस्ट डाली थी उसमें तुम देख सकते हो ब्रैम्पटन अच्छे से लिखा हुआ है, और ये हाईवे ओंटारियो से लेके फिर ब्रैम्पटन से कनेक्ट कर जाता है। बाकी तुम स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, मैंने गलत बोला होता। बाकी भाई अगर ये हाईवे से रिलेटेड नहीं होगा तो डिवाइन की तरह हो सकता है 4:10 की टाइम से रिलेटेड हो, या फिर कुछ नशे पत्ते से रिलेटेड, तो वो पता चल ही जाएगा तुम्हें। बाकी दूसरी चीज पे आता है, यानी कैप्शन में एक बड़ी खास लाइन लिखी है, इसका ना बहुत अंदर का मतलब है, मोस्टली लोगों को तो नहीं पता होगा, बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि रनिंग थ्रू द सिक्स विद सिद्धू मूसेवाला, ये सनी माल्टन के पेज पे है और सिद्धू भाई के पेज पे उल्टा लिखा हुआ है, दोनों में लाइन सेम है कि रनिंग थ्रू द सिक्स विद। तो भाई ये लाइन है ना ड्रेक से रिलेटेड भी है किसी तरह उनके फैन से, बाकी वो मुझे नहीं पता कैसे। इसका मतलब ये होता है कि ना आप अपने बंदों के, अपने आसपास अपने जानकार बंदों के साथ में चल रहे होते हो अपने माइंड में प्रॉब्लम्स को लेके, है ना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए, अपने वैरियों के बारे में, इन सब मुसीबतों के बारे में सोच के, लेकिन चल अपने बंदे अपने हुड वालों के साथ में रहे हो, तो ये है इसका बेसिकली तो मतलब। तो देखो अब फील आ रही है ना कि हाँ भाई सिद्धू भाई का गाना आ रहा है, ऐसे कैप्शन ऐसा टाइटल जैसे सोचा ना जा सके। सो भाई सनी माल्टन के चैनल पर रिलीज होगा, या 10 तारीख को रिलीज हो जाएगा। बाकी भाई इसका रीजन बताता हूँ सनी माल्टन के चैनल पर रिलीज होने का, कि है ना सिद्धू भाई ने शायद एक ट्रैक खुद ही दिया होगा कि भाई आप इसे अपने चैनल पर रिलीज कर लेना। वो बात मानी भाई कि सिद्धू भाई के चैनल से ज्यादा रीच आएगी, लेकिन भाई भाई का गाना है, भाई ने खुद ही दिया था तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ही बड़ा इशू बनाने वाली बात है। हाँ हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, तुम कमेंट करना भाई, अच्छे से एक दूसरे के विचार जानते हैं। बाकी भाई अब है ना ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है, फिर से एक हो जाती है ना कि नई एनर्जी आ जाना, तो अपनी भाई लाइफ में सारे कुछ बड़ा काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ब्रेकडाउन वगैरह बस मिलते हैं, खत्म वीडियो।